ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅਜੀਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ और हम यहाँ हमारा यहाँ पे छात्र चौक है। हम किसान आंदोलन में यहाँ शामिल हुए हैं। तकरीबन 12 दिनों से हम यहाँ लगातार डटे हुए हैं और हमारा यहाँ पे पुस्तकालय, किसान पुस्तकालय और एक आर्ट गैलरी और किसान पाठशाला भी यहाँ पर हमने खोली है, जहाँ पर जितने भी किसान हैं वो अपना आर्ट के माध्यम से अपने जो विचार है वो व्यक्त करते हैं। तो तुसी कितने दिनों से इत्थे आ रहे हो जी संघर्ष दे विच? जी हम यहाँ पे 12 दिनों से लगातार डटे हुए हैं, यही रह रहे हैं। तुसी किस तरह देख रहे हो जो सरकार है वो अपने रवैये अड़ी हुई है और किसान अपने रवैये अड़े हुए ने, जो खेती कानून तुसी किवें मनदे हो, ठीक ने किस तरह ने है? जो खेती कानून है सरकार को वापस लेनी चाहिए कैसे जी? जी बिल्कुल लेने चाहिए। हम यहाँ डटे हुए हैं, हम किसी गलत चीज़ के लिए यहाँ नहीं डटे, हम बिल्कुल सही पॉइंट पे यहाँ पर डटे हुए हैं। और जो सरकार है वो गलत कर रही है, उसको उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम किस तरीके से रह रहे हैं, किस तरीके की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। हम अपने हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि जो किसान है उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल कानून गलत है और वो इसको वापस लेना ही पड़ेगा सरकार को। एक मैडम, जैसे कल अपना प्रधानमंत्री जी ने इनको प्रजाति नाम से संबोधन किया है किसानों को, उसको कैसे देखते हो आप? जी अब वो तो किसी भी तरह से संबोधित कर सके, वो उनका अपना रवैया है। हम तो बस अपना देखते हैं कि हमें कानून बदलना है और हमें ये कानून बदल के ही यहाँ से जाना है। जैसे आप आज गाना गा के देशभक्ति के किसानों को आपने जैसे संबोधन किया है, कैसे लगता है आपको ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी मैंने भगत सिंह जी का गाना गाया, जो कि एक क्रांति के, मतलब भगत सिंह जी का नाम क्रांति से ही ज़्यादातर जोड़ा जाता है और यहाँ पर जो हम डटे हुए ये एक तरह से क्रांति है देश में, जो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। तो भगत सिंह जी ने भी यही किया था कि उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तो आज मैं उनके गीत को गा रही थी क्योंकि भगत सिंह जी, ताकि लोगों में भी ये फीलिंग आए कि जो वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हम भी उस गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। सो हमारे साथ एक और जो स्टूडेंट हाजिर हैं उनसे ही बात करेंगे। हाँ जी मैडम, क्या नाम है और कहाँ पर पढ़ते हो आप जी? मेरा नाम अभिप्सा है और मैं जामिया हमदर्द में MSc की पढ़ाई कर रही हूँ। आज आप किसानी संघर्ष में यहाँ मौजूद हुए हो, कैसे लग रहा है आपको जी? जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इससे पहले हम लोग यहाँ सिंगू बॉर्डर पर भी थे, टीकरी बॉर्डर पर भी थे और गाजीपुर भी आते जाते रह रहे थे। 28 तारीख को 28 जनवरी से हम लोग यहाँ पर पूर्ण रूप से यहाँ पर हम लोगों ने कैंप लगाया है, उस जगह को हम लोगों ने छात्र चौक का नाम दिया है। हमने लाइब्रेरी लगाया, लाइब्रेरी में हमने अलग अलग भाषाओं की पुस्तकें रखी हैं, जिसमें उर्दू भी है, जिसमें पंजाबी है, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, तेलुगू भी है और आर्ट गैलरी एक उसके साथ भी लगाया है हमने। और आर्ट गैलरी हमने इसलिए लगाया है कि जिस तरीके से अभी इस देश के अंदर डेमोक्रेसी को ख़त्म करा जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करा जा रहा है, तो आर्ट के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ जो लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, हाँ वो लोग भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और जो किसान भाई यहाँ पर लंगर चला रहे हैं उन लोगों ने भी आकर अपने विचारों को आर्ट के माध्यम से रखा है। और हमारा एक नारा है कि पढ़ो, लड़ो और आगे बढ़ो। हम लोग यहाँ पर पढ़ाई भी कर रहे हैं और इस आंदोलन को आगे भी ले जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। जो केंद्र सरकार ने ये कानून लागू किए हैं उसको कैसे देखते हैं आप? वो कानून किसानों के हित में है या उसके खिलाफ है? देखिए ये तो बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है कि वो किसानों के बिल्कुल भी हित में नहीं है। तभी अभी 2.5 महीने से ऊपर हो गए और किसान यहाँ सर्दी में और अभी इस हालातों में यहाँ पर बैठा हुआ है। 120 किसान की मौत भी हो चुकी है और ये किसानों के हित में इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, भंडारीकरण, उसमें जो है ये जो बड़े बड़े सीलियो बन रहे हैं, इसमें ये जो बड़े बड़े पूंजीपति अंबानी हैं, अडानी हैं, वही लोग तो भंडारीकरण कर पाएंगे। जैसे कि इस देश के अंदर जो आबादी है 70% से ऊपर
जो है छोटा किसान है, गरीब किसान है, उस पर अपनी छत बचाने के लिए उसके पास उतना पैसा नहीं होता है, बारिश में छत टपकता है, ठंड में वो रह नहीं पाता है ठीक तरीके से, तो वो कैसे भंडारीकरण कर पाएगा। तो ये तो साफ दिख रहा है कि जो केंद्र सरकार जो बिल लेकर के आई है वो किसानों के हित में नहीं है, ये पूंजीपतियों के अंबानी और अडानियों के फेवर में ये बिल लेकर के आई है। सो हमारे साथ एक और किसान है, अपना स्टूडेंट है, उनसे बात करेंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ पढ़ते हैं आप? संजय सिंह नाम है, हम लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, AIFF के प्रदेश अध्यक्ष है यूपी के। तो जैसे ये देखो केंद्र सरकार ने कानून लागू किए हैं, इसमें स्टूडेंट को भी शामिल होना पड़ रहा है, तो आप कैसे देखते हो भी सरकार को ये वापस लेनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सरकार को वापस लेना नहीं चाहिए, वापस लेना पड़ेगा। और रही बात छात्र शामिल हो रहे हैं, तो कोई भी ऐसी लड़ाई बिना छात्र नौजवान के नहीं लड़ी गई है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उसमें छात्रों, नौजवानों, महिलाओं सबका पूरा रूप से भूमिका रहा है। तो ये आंदोलन भी उसी तरह जन आंदोलन है, इसमें छात्र भी हैं, महिला भी हैं, किसान भी हैं, सारे लोग यहाँ पे हैं। जितना समाज ये संघर्ष चलेगा आप शामिल होते रहोगे उसमें जी? बिल्कुल, हमने तो एक कमिटमेंट किया है, जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज आपने देशभक्ति के बहुत सुंदर गीत गाए हैं और हम चाहते हैं अभी अजीत माध्यम के थ्रू आप वो गाना एक बार हमें दर्शकों को सुना के सुनाओ। सो तुसी सुने हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वक् वक् यूनिवर्सिटियों के जो विद्यार्थी इतने आके किसानी संघर्ष के किसानों जो समर्थन दे रहे हैं, तो अब इन्होंने जो संयुक्त मोर्चे की जी स्टेज से उत्थों देश भगती के गाने गा के जो किसानों के जज्बा पैदा किया, उन्होंने नाल किसानों बहुत बल मिले। सो तुसी देश दुनिया ताज़ा खबर देखने के लिए बने रहो अजीत एफ टीवी के नाल। देश दुनिया दी ताज़ा खबरों के लिए हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब की आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक के उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।